100 रुपये से कितनी बार 10 निकाला जाता है? 10 बार क्या इंटेलेक्चुअल की है? कोई भी बता सकता है। हमारे नेता जी हैं 10 बार। नेता जी खाली 10 बार जी है भैया, 10 बार नहीं गलत है। अरे जितने नौ बार नहीं, जितने गलत है। कौन कहे फिर से बोलिए, 100 में से कितनी बार 10 निकाला जाता है? 9 बार। नहीं गलत। अच्छा आपने पहले पकड़ा था ना, उसी तरह सवाल जिसमें जवाब वही है जिसमें बोले थे आप। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं, बाकी देखते हैं। 100 में से 10 कितनी बार निकाला जा सकता है? 100 में से 10 कितनी बार निकाला जा सकता है? बताऊंगा, कलम देंगे, कलम में इंशाल्लाह आपकी बार कॉपी देंगे। एक मिनट, 20 मिनट का टाइम दिया आप, टाइम दे लीजिए। चचा मैं आपको नहीं बोल रहा, आप अगर देखिए, आप सोचिए, माशाल्लाह अच्छी बात है, ऐसा ही हमको आदमी चाहिए। कोई भी बताए 100 में से 10 कितनी बार कैसे? चलिए ना, लिखा तुक्का नहीं मान रहा कि 100 आता के फिर 0 आता के 10 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल को गौर से सुनिए, 100 में से 10 कितनी बार निकल सकता है? ये कॉमन सेंस सवाल में ही जवाब है, बस सोचिए। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाहरी सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सा है। जैसे आपने इंग्लिश वाले बताया लगा सिंपल है, उसी तरह ना पिटना नहीं, और बिल्कुल गलत जवाब जाएगा। आप आंसर बता दीजिए। मैं बताऊंगा, अब तो मान जाए तो मैं बता देता हूँ। चचा ने टाइम लिया, इनको कॉपी चाहिए। अब उत्सुकता तो सबको होगी जानने की। सवाल कुछ नहीं है, बच्चे लाख तो पूछो, बच्चे भाग जाने। चलो बाबू ये बताओ, जवाब दो, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो। वो आवन कितने होते हैं बता दो। साइकिल। अब बच्चों वाला है बोलना है अपने आप को, जो पढ़ो उसको याद करो, इन्हें किधर से सुनाएगा सवाल? सवाल ये, इधर आइए आइए आइए, माशाल्लाह दौड़ के आइए। अरे नहीं बताएंगे तो चेंज नहीं करेंगे। कोई भी 100 में से 10 कितनी बार निकाला जा सकता है? एक बार। कैसे? 10 निकाल देंगे फिर वो 90 हो जाए। एकदम सही जवाब, क्लैपिंग। अरे ताली बजाया जाए, क्या बात है, ताली बजाया जाए भाई, दीजिए गिफ्ट दीजिए। ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? कैसे बजा दे, गिफ्ट ले के जाइए। कहाँ गए? एक कॉपी दी जाए, चलिए ठीक है। चलिए दूसरा सवाल चचा आपसे, चचा से दूसरा सवाल। अच्छा हमारा तो बाबू साइड हो जाए। अरे नाम ले एक बार, लेकिन फिर उनकी भी शादी हो चुकी है। चक्की भैया, 1 से 100 तक की गिनती में कौन सा वर्ड आता है जो आपके रिश्तेदार का नाम? मैं बता दूं? अच्छा, उनके बाद मेरा नहीं, हम अब आपसे नहीं पूछेंगे। सवाल लगा मत पूछिए। 1 से 100 तक की गिनती में कौन सा ऐसा वर्ड आता है जो आपके किसी रिश्तेदार का नाम है? रिश्तेदार, बिल्कुल सही है। चचा 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 काना खुशी नहीं। अब इसे 1 से 100 तक की गिनती में कौन सा ऐसा वर्ड आता है जो आपके दादा के एक रिश्तेदार का? ये जगह से बदलेगा क्वेश्चन, चचा जानते हैं। हाँ नहीं, रिलेशन तो समझते हैं ना अभी नवासी।
मैं जानता हूँ चचा खड़े हैं, मैं नहीं बोल सकता, कसम से मुझे नहीं बताया। नहीं एकदम सही जवाब, ताली बजा दिए भाई, बताया नहीं। लेकिन एक बात है, बताने के लिए माइक के पास चल के उसमें मजा कुछ और है। अगर आप भीड़ से बोलेंगे तो मैं इनाम नहीं जाऊंगा। दूसरा सवाल पूछेंगे ना, भेजिए दूसरा सवाल। चलिए चचा से, नाम आपका चचा, वो क्या चीज है जितनी बढ़ती है उतनी घटती भी है? चचा आपको भी मालूम है, आपको बस सोचिए, तो ज्यादा बड़ा नहीं चचा, तो नॉर्मल है। ये भी सही है, ऐसा है मजहबी नहीं, मजहबी सवाल नहीं पूछते, मजहबी सवाल हमने नहीं पूछा है। चलिए समाजी सवाल है, चलिए आप बताइए, आप कुछ जवाब दिए हैं बताइए। क्या नहीं, इल्म घटता बढ़ता नहीं है, वो जितना बढ़ता है उतना घटता भी है। फिर बोला आप आउटर से दे रहे हो, सब मतलब नहीं है, हाय आप जानते तो बीच में दौड़ के आइए, चल के बताइए। नहीं नहीं नहीं, माइक नहीं, अरे वो बोल चुके हैं, गलत, आप दूर से बोल लेते, गलत। आइए आइए अब आ जाइए, अब आइए, अब हम आपको पकड़ेंगे, आ जाओ। आउटर से मत बोलिए, फिर आप, हमने जिसको पकड़ा है उसको बोलने का मौका तो दीजिए, अब बीच आउटर से बोल देना क्या मतलब है, सब कोई मतलब नहीं है। ना ना ना, माइक के पास आइए, कसम से इनाम लेके जाइए, लेकिन पूछूंगा क्या ऐसा नहीं कैसे, अब नहीं, जब पर्दा पास हो गया तो पूछने का क्या मतलब है, उन्हें बीच से जवाब दे दिए तो उसका नहीं मतलब ना, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। सही सही सही, चलिए चचा आइए, आप ही के लिए है सवाल, इसको कुछ नहीं दीनी मैसेज मत बजा के कुछ से मत लीजिएगा। तलाक की असली शर्त क्या है? दीनी मजहब से मत लीजिएगा, ऐसा दीनी कुछ नहीं है इसमें। तलाक की असली वजह या असली शर्त क्या है? सर मैं करूँ, नॉर्मल सवाल है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, नॉर्मल सवाल है। कोई भी आप बताइए, तलाक की असली शर्त क्या है? ना ना देखिए, आप गलत सही बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको मिलेगा कि यार ये गलत जवाब है, चलो दूसरा ट्राई करेंगे, तो आप गलत सही बोलिए। अच्छा शादी करने के बाद बताएंगे आपसे नहीं पूछेगा, अच्छा आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोला कि मेरे सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, बस सोचिए, मैं पूछे अब तक जो भी सवाल पूछा उसमें जवाब था कि नहीं चचा, मेरे सवाल में ही जवाब है, कुछ नहीं है। अरे आइए चचा, चचा देखिए दीदी मजहब से मत लीजिए, ये कि असल में उतना पढ़े लिखे पढ़े लिखे वाली बात नहीं है, तलाक की असली शर्त क्या है, वजह क्या है, मेन वजह? मेन वजह ये है कि जब मजबूर हो जाता है आदमी औरत से अपनी बीवी से, तभी तलाक देता है, तलाक की नौबत नहीं है। गलत जवाब, गलत जवाब है ये, और आपने एक जवाब दिया, अच्छा किया कि अगले को समझ में आ गया जवाब गलत तो दूसरा देगा। हाँ भाई, तो खुल के देना चाहिए, आदमी बोल रहा नहीं बोल, गलत बात है, बोले खुल के बस, थोड़ी गलत जवाब दे देंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ते हो? पढ़ते हो किस क्लास में पढ़ते हो? सेवन में पढ़ते हो? गलत बात ही, सब समझ नहीं। ये बताओ मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? नहीं आ रहा, ट्राई कर रहे हैं। चलो आप बता दो मौजूदा राष्ट्रपति कौन है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीछे से नहीं बोलते, आ जाओ। तब एक बच्चा बताने को कोशिश करो तो उसको होपलेस मत करो आप, ये गलत, अपने कौम में सबसे बड़ी बात है टांग खींचना, ये गलत बात है, आप गलत बोलने दो, पीछे तक वो बताने वाला भी नहीं बता पाया, ये गलत बात है। आपका नाम?
अरे भागे नहीं यार, भागने से एक बात बताऊँ हम लोग भीड़ आपने देखा। अच्छा तो हम चलते हैं, हमारा एक संदेश जाते जाते प्रदूषण मुक्त है देश बनाना है, हम सबको पेड़ लगाना। अगले हफ्ते नए लोग नई जगह, तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू। अटैक